उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पिता आनंद सिंह बिष्ट जी का सोमवार सुबह एम्स में निधन हो गया है। एम्स के मुताबिक सुबह 10:45 पर सीएम योगी के पिता ने अंतिम सांस ली। अब सबको पैतृक गांव पंचू जो कि उत्तराखंड में है वहां ले जाया जा रहा है। एम्स ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट के निधन की पुष्टि कर दी है। बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर एम्बुलेंस के जरिए उत्तराखंड में पैतृक गांव पंचूर में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही थी। उनकी हालत बेहद गंभीर थी, इस बीच उनका निधन हो गया। वेंटिलेटर पर बहुत दिनों से थे योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट। मित्रों, मिली जानकारी के मुताबिक पिछले एक महीने से भी अधिक समय से एम्स में भर्ती यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट की हालत पिछले कुछ दिनों से गंभीर हो गई थी। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। एम्स के डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें किडनी और लीवर की समस्या थी। 89 वर्षीय आनंद सिंह बिष्ट की तबीयत खराब होने पर पिछले महीने मार्च में एम्स में भर्ती कराया गया था। एक महीने से अधिक समय से यहां गैस्ट्रो विभाग के डॉक्टर विनीत आहूजा की टीम उनका इलाज कर रही थी। एम्स के डॉक्टरों के मुताबिक फिलहाल उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया था और डायलिसिस भी चल रहा था। बता दें कि किडनी जब सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो ऐसी स्थिति में सपोर्ट के लिए डायलिसिस किया जाता है। मिली जानकारी के मुताबिक 89 वर्षीय आनंद सिंह बिष्ट की हालत ज़्यादा ख़राब होने पर उन्हें उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर के ग्राम पंचूर से एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली के एम्स में लाया गया था। पिछले एक महीने से एम्स के एवी वार्ड में भर्ती योगी के पिता गैस्ट्रो विभाग के डॉक्टर विनीत आहूजा की टीम के नेतृत्व में उनका इलाज किया जा रहा था। हालत में सुधार नहीं होने के बाद एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली लाया गया था। गौरतलब है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट बतौर फॉरेस्ट रेंजर अपनी सेवाएं दे चुके थे। सेनानिवृत्त होने के बाद वह अपने पैतृक गांव में ही रह रहे थे। ये भी आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सन्यासी होने की वजह से अपनी माता पिता से कम ही पिता के मृत्यु की खबर मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ जी एक मीटिंग ले रहे थे। उस मीटिंग को उन्होंने बीच में स्थगित करा और उठकर वो सीधा अपने कमरे में चले गए। अथवा उन्होंने एक अभी मीडिया पे उन्होंने एक जानकारी भी दी है, अपने एक प्रेस नोट के जरिए उन्होंने जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश में बढ़ रही महामारी की समस्या की वजह से और इस विषम परिस्थितियों की वजह से जो कि कोरोना की वजह से पूरे प्रदेश में फैली हैं, वो अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में भाग नहीं ले पाएंगे। और उन्होंने निवेदन करा है सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से एवं सभी लोगों से कम लोग वहाँ पर अंतिम संस्कार में उपस्थित रहें एवं उन्होंने अपने पिताजी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करी है। योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी के निधन पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने भी शोक संवेदना जाहिर करी है एवं तमाम बड़ी हस्तियों ने, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी उनको शोक संवेदना पेश करी है एवं कई ऐसे आला नेता बीजेपी के हैं, उन्होंने भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करी है। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।